स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल BSID क्लासेस में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजीज के कंप्लीट सिलेबस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका लेक्चर 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट साइकोलॉजी। दोस्तों हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर अभी तक आपने इसका लेक्चर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहला देखते हैं, इन 1890 विलियम जेम्स पब्लिश्ड द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की। कब की? 1890 में। नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शनलिज्म वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1895। प्रकार्यवाद की स्थापना 1895 में की गई। कब की गई? 1895 में। नेक्स्ट देखते हैं, सिगमंड फ्राइड डेवलप्ड साइको एनालिसिस इन 1900। 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। किसका किया? मनोविश्लेषणवाद का। कब किया? 1900 में। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1904 इवान पेवलोव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। 1904 में इवान पेवलोव को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1905 साइमन एंड विने डेवलप्ड इंटेलिजेंस टेस्ट्स। 1905 में साइमन और विने ने बुद्धि परीक्षण का विकास किया। कब किया? 1905 में। नेक्स्ट देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1916। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। कब हुई? 1916 में। नेक्स्ट, इन 1920 गेस्टाल्टिस्ट आइडियोलॉजी एमर्ज्ड इन जर्मनी अगेंस्ट विलियम वुंट्स आइडियोलॉजी। 1920 में विलियम वुंट की विचारधारा के विरुद्ध गेस्टाल्टवादी विचारधारा का उदय जर्मनी में हुआ। कब हुआ? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं, इन 1924 वाटसन लेड द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ विलियम वुंट। 1924 में विलियम वुंट की ही विचारधारा के विरुद्ध वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। किसने रखी? वाटसन ने। तो कब रखी थी उन्होंने? 1924 में, 1924। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1953 बी एफ स्किनर प्रमोटेड बिहेवियरिज्म बाय पब्लिशिंग द बुक साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। 1953 में बी एफ स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक प्रकाशित की और व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया। तो उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की अपनी 1953 में। तो यहाँ से हमारा आइडिया निकल जाता है कि बी एफ स्किनर ने भी व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इन 1954 इब्राहिम मैस्लो पब्लिश्ड द बुक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। 1954 में इब्राहिम मैस्लो ने मोटिवेशन और पर्सनैलिटी पुस्तक प्रकाशित की। कब की? 1954 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस NIMHANS वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1955 इन बेंगलोर। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी? बेंगलोर में। और कब की गई थी? 1955 में। नेक्स्ट चलते हैं, हर्बर्ट साइमन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1978। 1978 में हर्बर्ट साइमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। ही वॉज अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। वो एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? वो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। ही गॉट नोबेल प्राइज़ ऑन हिज वर्क ऑन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने के ऊपर काम करने पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किसके ऊपर काम किया था उन्होंने? डिसीजन मेकिंग पर।
देखते हैं ये उनकी पिक है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, सम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना 1 सितंबर 1961 द्वारा 1961 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा की गई। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1 सितंबर 1961 को स्थापित मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1929 में हुई। नेक्स्ट चलते हैं, NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना 1973 में हुई। और नेक्स्ट देखते हैं NCTE एक्ट वॉज पास्ड इन 1995। NCTE एक्ट 1995 में पारित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज पास्ड इन 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में पारित हुआ। सेंटर स्कूल वॉज स्टार्टेड इन 1963। केंद्रीय विद्यालय 1963 में स्थापित किए गए। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज स्टार्टेड इन 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1994 एंड 1995। उस टाइम हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी उस टाइम हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट देखते हैं नवोदय विद्यालय वॉज स्टार्टेड इन 1986। नवोदय विद्यालय 1986 में शुरू किए गए। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज स्टार्टेड इन 1986 इन प्राइमरी स्कूल्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं द नेशनल ओपन स्कूल वॉज फॉर्म्ड इन 1989। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का गठन 1989 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं द DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1994। DPEP 1994 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1978। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया। द 10+2+3 मेथड वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा 10+2+3 पद्धति को लागू किया गया। किसके द्वारा? NPE 86 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज वॉज लॉन्च इन 1975। समेकित बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कूल इज रिलेटेड टू प्री एजुकेशन। इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 3 to 6 ईयर्स ओल्ड। ECCE शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित है, मतलब कि स्कूल जाने से पहले से। यह मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष के बच्चों से जुड़ी हुई है। क्या एज ग्रुप है? 3 to 6 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशनल सैटेलाइट एडूसेट वॉज लॉन्च्ड इन 2004। एजुकेशनल उपग्रह एजुसेट 2004 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट देखते हैं BHU वॉज फाउंडेड इन 1915 बाय मदन मोहन मालवीय। BHU की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा जी की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं JB Watson इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। JB Watson को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद से आपके पास BF Skinner भी व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप JEE IT की प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो BSID क्लासेस आपके लिए फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स लेके आए हैं। हमारे हर लेक्चर की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल BSID क्लासेस सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।